हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेहास क्रिस्पी फूड में। आज हम बनाने जा रहे हैं मैदे का निमकी। तो ये है मैदा, लगभग आधा किलो के करीब। आधा किलो ही है? हाँ, आधा किलो ही है, यानी 500 ग्राम मैदा है। इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। उसके बाद हम इसमें डालेंगे अजवाइन। ये है अजवाइन, आप इसमें डाल सकते हैं, मंगरेला भी डाल सकते हैं। तो अभी फिलहाल खत्म हो गया था इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। तीन तीनों को हम सबसे पहले मिक्स करेंगे। साथ ही देखिए, निमकी को खस्ता करने के लिए हम इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल। देखिए, अंदाज लगा लीजिए आप कितना है। कम से कम मेरे ख्याल से 6 से 7 चम्मच होगा। हाँ, लगभग 50 ग्राम के बराबर है। अब सभी को मिक्स करेंगे हम। देख लेना, तो ये मेरे पापा बना रहे हैं निमकी, मैं सीख रही हूँ और वीडियो बना रही हूँ। तो सबको देखिए अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। और ध्यान रखिए, ज़्यादा अगर आपने डाल दिया है तो जो निमकी बनेगी वो टूट जाएगी, इसलिए ज़्यादा भी नहीं डालना है। थोड़ा कम रहेगा, थोड़ा कड़क हो जाएगा, मेरे ख्याल से बहुत चलेगा, लेकिन खस्ता हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा ऑयल ऑब्जर्व कर लेगा और वो टूट जाएगा। अच्छे से मिक्स कीजिए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी और इसका कड़ा सा डो बनाएंगे। अच्छा, तो देखिए अब हम इसमें डालेंगे हल्का हल्का पानी डालेंगे, उसके बाद इसको सानते जाएंगे। एक ही बार में ज़्यादा पानी डालेंगे तो ये गीला हो जाएगा, तो थोड़ा सावधानी से डालिए पानी। तो हमारा डो हो चुका है रेडी। आप देख सकते हैं कितना कड़ा है ये देखिए। नमक टेस्ट कर लो। चलिए अब हम नमक भी टेस्ट कर लेते हैं। नमक टेस्ट कर लेते हैं और कम होगा तो हल्का सा ऐड करके फिर से हम इसे मसल लेंगे। तो दोस्तों, मुझे लगा कि थोड़ा सा नमक की आप जरूरत है, थोड़ा सा नमक की और जरूरत है। तो मैंने देखिए ट्रिक आपको बता रहे हैं, पहले नमक को रख लीजिए और थोड़ा सा पानी डालिए इसे घोलने के लिए। बस हमारा जो है नमक देखिए बिल्कुल घुल चुका है। आप देखिए कैसे मिलाना है, मैं आपको इसका ट्रिक बताती हूँ। ऐसे घोल लिया हमने पानी डालकर, अब देखिए कैसे मिलेगा। नमक गल चुका, बिल्कुल नमक का जो दाना था वो गल चुका है। अब देखिए इसे मिला दीजिए, उसके बाद डो को फिर से अच्छे से मसल लीजिए। पूरा अंदर तक घुस जाना चाहिए ये जो हमने नमक डाला था। अच्छे से नहीं मिलाएंगे तो कहीं कहीं ज़्यादा नमकीन हो जाएगा। अब दोस्तों इसे बेल लीजिए और जब आपको जरूरत पड़े चिपकने लगे तो आप मैदा का इस्तेमाल करें। तो देखिए वीडियो को मैंने फास्ट कर दिया है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो ये बिल्कुल पतला बेलना है क्योंकि हमने ज़्यादा इसको मोम नहीं डाला था, इसलिए मोटा निमकी मत बनाइएगा वरना ये कड़ा हो जाएगा। तो हमने पतला निमकी बनाना था इसलिए। अब हमारा रोटी जो है तैयार हो चुका है। अब देखिए पतला सीट, अब मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना पतला है। कटिंग करने से पहले मैदा इस पर मारा जाता है ताकि कटिंग किया हुआ चीज़
आपस में सटेगा नहीं। तो देखिए कितना पतला है ये, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। तो मैंने आपको दिखा दिया कि ये कितना पतला है। अब चलिए इसके स्टेप्स को देखते हैं कैसे कट करना है इसको। तो लंबा लंबा लाइन आपको खींचना है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये कटिंग। बिल्कुल लग रहा है ये एक एक बर्फी जैसा लग रहा है। देखिए एक बर्फी मैं आपको उठा कर दिखाती हूँ। तो चलिए कहाँ से उठाया जाए, ये उठा कर दिखाती हूँ मैं आपको। ये एक परफेक्ट बर्फी है, देखिए ये बर्फी देखिए। चलिए तो मैदा देती हूँ। अब सबको उखाड़िए और थोड़ा सा मैदा छिट दीजिए, वरना ये चिपकने लगेगा। सबको उखाड़ दीजिए। हट जा रानी, हटो रानी थोड़ा सा। ये देखिए दोस्तों इस तरीके से निकाल लिए। और बिल्कुल टेंशन मत लीजिए चिपकने का, क्योंकि जैसे ही आप ऑयल में डालेंगे तो ये फिर से एक दूसरे से अलग हो जाएगी, क्योंकि हमने जो दो था वो कड़क बनाया था और साथ ही इसमें मैदा जो है हमने डाला। तो चलिए उठा लेते हैं। और हम इसे बनाना कैसे मैं आपको बता दूं, ये बनाना है बिल्कुल तेज आंच में, क्योंकि ये पतला है। तो दोस्तों ये देखिए प्यारा सा गोला है, राउंड की कटिंग है, हमने दो बार काट लिया है। अब मैं इसको छान कर, यानी कि छान कर मतलब छान कर फ्राई करके दिखाऊंगी। दोस्तों रिफाइंड हो गया है, गर्म पूरा गर्म आंच में देना चाहिए वरना ये जल जाएगी। तो मैं इसको डाल कर दिखाती हूँ आपको। देखिए थोड़ा सावधानी से डालिए वरना क्या होगा, तेल जो उछल सकता है। और देखिए ये जो आपको इकट्ठा दिख रहा है वो अलग हो जाएगा, तो चिंता बिल्कुल मत कीजिए। इसका आवाज सुनिए और एंजॉय कीजिए। दो चार बचा हुआ है तो मैं हाथ से ही डाल देती हूँ। यस, तो दोस्तों देखिए एकदम खिला खिला सा ये जो है नीम की एक दूसरे से कितना अच्छे तरीके से अलग हो चुका है। अब हो जाएगा उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तैयार है, अब हम इसे निकाल रहे हैं। तो देखिए एक राउंड हमने यहाँ निकाला, थोड़ा सा तेल को गाड़ लीजिए और ध्यान रखिए ज़्यादा ब्राउन मत कीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा निकालने के बाद इसका कलर आ जाता है।
देखिए सारा नीम भी छन चुका है। अब हमारा काम हो गया है खत्म। अब मैं बनाने जा रही हूँ चाय। अब खाऊंगी नीम की। अच्छा। और कुछ बनाना है? नीम की सेव के अलावा खाए वाला चीज़?